कथा जी बोलिए साइन पे का दो फॉर्मूला, कथा जी साइन पे का दो फॉर्मूला बोलिए। सर टू साइन है कॉस है। टू साइन है कॉस है, हाँ। और एक तो टैन में, और एक तो टैन में बोलिए। साइन पे का दो फॉर्मूला बोलिए, ज्योतिर्मय बोलिए साइन पे का टैन में। टू टैन ए बाय वन प्लस टैन स्क्वायर ए। हाँ स्वतः जी थोड़ा फॉर्मूला पर थोड़ा स्ट्रांग बनिए। वन प्लस टैन स्क्वायर ओके, बिना फॉर्मूला से कुछ होने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट बार कॉस्ट पे बोलिए, कॉस्ट पे का छह फॉर्मूला है नैना, कॉस्ट पे का छह फॉर्मूला बोलो नैना जी, कॉस्ट पे का छह फॉर्मूला बोलिए। यस सर। बोलिए सर पहला वाला कॉस्ट, सर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ नेक्स्ट, फिर टू पूरा कॉस, सर टू कॉस, सर टू कॉस एक्स माइनस वन, टू कॉस करे माइनस वन। नेक्स्ट वाला वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए साइन में। टैन में क्या फॉर्मूला है, टैन में क्या फॉर्मूला है रोहन मिश्रा, टैन में क्या फॉर्मूला है सर, वन सर वन माइनस टैन स्क्वायर ए बाय वन प्लस टैन स्क्वायर ए। वन माइनस टैन स्क्वायर ए बाय वन प्लस टैन स्क्वायर ओके, वन माइनस टैन स्क्वायर ए बाय वन प्लस टैन स्क्वायर ओके। इसे तो कॉस्ट पे का टैन में ओके, वन प्लस कॉस्ट पे का फॉर्मूला बोलिए, वन प्लस कॉस्ट पे बोलिए सर, कॉस टू कॉस स्क्वायर ए। वेरी गुड, ये बहुत यूजफुल है। वन माइनस कॉस्ट पे का फॉर्मूला बोलिए, वन माइनस कॉस्ट पे का फॉर्मूला बोलिए, टू साइन स्क्वायर स्क्वायर है ओके ठीक है। चिन्मयी आपका, आप थोड़ा आज रहेंगे क्लास में क्योंकि आपका सीएचसी का पढ़ा जाएगा इसके बाद ओके, सभी का पढ़ा जाएगा सीबीएसई सीएचसी सभी का पढ़ा जाएगा ओके। वह वन माइनस कॉस्ट में हो चुका टू साइंस करे, अच्छा तो सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला मुझे बोलेंगे अभी ओके। सब मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला बोलेंगे, अगर टू ए के बदले में ए लिखते हैं, टू ए के बदले में ए लिखते हैं देन ए के बदले में ए बाई टू लिखेंगे ओके। तो साइन ए का फॉर्मूला बोलिए, आज एनसीईआरटी का पढ़ाया जाएगा बच्चों, साइन ए का फॉर्मूला बोलिए, ये जो जो फॉर्मूला पढ़े उसी का बेस टू साइन ए बाई टू, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, इंटू कॉस ए बाई टू ओके। टैन में बोलिए सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात देखिए, अगर टू ए के बदले में ए लिखते हैं देन ए के बदले में ए बाई टू लिखना है, देन साइन ए का टैन में क्या फॉर्मूला है बोलिए, अगर ये टू ए के बदले में ए लिखेंगे देन ए के बदले में ए बाई टू लिखा जाएगा, इस ए के बदले में ए बाई टू, इस ए के बदले ए बाई टू, तो साइन ए का टैन में क्या फॉर्मूला है, टू टैन ए बाई टू टैन ए बाई वन प्लस टैन स्क्वायर ए बाई। अच्छा इसी तरह कॉस ए का फॉर्मूला बोलिए, छह फॉर्मूला बोलिए कॉस ए का, अगर टू ए के बदले में ए लिखेंगे देन ए के बदले में ए बाई टू बोलेंगे, तो कॉस ए का पहला फॉर्मूला आएगा कॉस का ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, और एक आएगा कॉस ए का टू कॉस का ए बाई टू, टू कॉस ए का ए टू कॉस का ए बाई टू माइनस वन, कॉस ए का और एक फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, देन कॉस ए का और एक फॉर्मूला वन माइनस टैन स्क्वायर ए बाई टू बाई वन प्लस टैन स्क्वायर ए बाई टू। व्हाट इज वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए आएगा टू कॉस का ए बाई टू, व्हाट इज वन माइनस कॉस ए आएगा टू साइन स्क्वायर ए बाई टू ठीक है। अच्छा टैन टू ए का फॉर्मूला बोलिए, टैन टू ए का, टैन टू ए का फॉर्मूला बोलिए, एक ही फॉर्मूला है, चिन्मय बोलो व्हाट इज द टैन टू ए फॉर्मूला, वन वन प्लस टैन टू ए का, हाँ वन नहीं गलत बोल रहे, हर्षराज बोलो टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए, टैन हाँ सॉरी टू टैन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ओके, एक ही फॉर्मूला है। ये कैसे डिराइव हुआ था पहला वीडियो भी बोला गया था, कॉट पे का एक ही फॉर्मूला बोलिए,
cot square a minus 1 by 2 cot a. अच्छा बच्चों, अगर cot tan a का क्या फॉर्मूला होगा? अगर 2a के बदले में लिखेंगे tan a का फॉर्मूला, हर्षराज बोलो tan a का. अगर 2a के बदले a लिखेंगे, a के बदले a by 2 हो जाएगा, बोलिए tan a का फॉर्मूला क्या आएगा? हर्षराज आप सो गए लगते हैं भाई, क्या बात करेंगे, बच्चे लोग तो बच्चे हैं, सो जाते हैं, ऑन करके सो जाते हैं अभी. कुछ बच्चे तो चले गए तो बाथरूम में भी सो जाते हैं. ओके, ये देखिए, ये cot a का क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है cot a का? हर्षराज बोलिए cot a का फॉर्मूला, cos का a by 2 minus 1 by 2 cot a by 2. ओके, अच्छा बच्चों थोड़ा नया फॉर्मूला बोलेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी थोड़ा शुरू करेंगे. ओके, नया फॉर्मूला देखिए, इसका प्रूफ भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, नहीं तो आज टाइम होगा तो करेंगे. साइन थ्री का फॉर्मूला. हाँ जी बोलिए सर, कल का वीडियो थोड़ा भेज दीजिए. कल पढ़ाई नहीं हुआ. ओके, कल पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हुआ, कुछ वीडियो नहीं बनाएगा, कल कुछ पढ़ाई नहीं हुआ. साइन थ्री का फॉर्मूला बोलिए सर. साइन थ्री का सर कल रात का. हाँ जी, हाँ जी, रात का भेज दूंगा. साइन थ्री का फॉर्मूला कौन आता है? देना जी आप आते हैं, आप बोर्ड स्टूडेंट है, साइन थ्री का फॉर्मूला बोलिए. साइन थ्री का नन्ना जी, साइन थ्री का फॉर्मूला बोलिए. ये थ्री साइन है माइनस फोर साइन क्यू है. ओके, ये तुम चाहो तो बच्चों बना सकते हो, साइन थ्री का फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो. साइन टू ए प्लस है, इसके बाद साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डालोगे और सभी साइन में कन्वर्ट करो, प्रूव करेंगे बाद में करेंगे. ओके, लेकिन ये साइन ए प्लस भी करके फॉर्मूला डालोगे, साइन ए प्लस भी करोगे. अच्छा, कॉस थ्री का फॉर्मूला देखिए. कॉस थ्री का इसका पैटर्न चेंज होगा, इसका पैटर्न, पैटर्न मैंने छांचो, इसका पैटर्न इधर आएगा, इसका पैटर्न इधर आएगा, मैंने इसका पैटर्न इधर आएगा तो ये फोर कॉस की माइनस. ओके, इसका पैटर्न इधर जाएगा फिर थ्री कॉस है. कॉस थ्री का फॉर्मूला याद रखिए, फोर कॉस की माइनस थ्री कॉस है. इसका पर बच्चों क्लास एक तो पूरा टोटल साइन थ्री कॉस थ्री का ऊपर एक पढ़ाएंगे. फिर टैन थ्री का फॉर्मूला लिखिए, थ्री टैन ए माइनस टैन क्यू ए, थ्री टैन ए माइनस टैन क्यू बाय वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख दीजिए, बहुत जरूरी है. साइन थ्री का फॉर्मूला थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू है, कॉस थ्री है, ये पैटर्न इधर आएगा फोर कॉस की है, ये पैटर्न उधर जाएगा माइनस थ्री कॉस है. टान थ्री है, थ्री टान है माइनस टान क्यू बाई वन माइनस थ्री टांस करें, लिख दिए. प्यारे बच्चों लिख दिए कि नहीं लिखे? यस सर, लिख दिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा चलिए, एनसीईआरटी का तो और भी फॉर्मूला है. अरे भाई, इलेवन क्लास फॉर्मूला ही फॉर्मूला है. ओके, ये है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. इसका फॉर्मूला बोलिए, इसका फॉर्मूला बचो, ये होता है. अगर तुम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, उसको लिख के इंटू कर दोगे, ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ये फॉर्मूला लिख दे रहे, बाद में प्रूव करेंगे, फिलहाल लिखिए. ये पे एक फॉर्मूला है, ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है. नेट प्रॉब्लम थोड़ा है. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. और एक है, ये साइन स्क्वायर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी वन माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है. देन एक बार आप मल्टी, ये माइनस वन प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. ये एक फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी टू साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? ओके, गुड मॉर्निंग जतुर्मय जी. ओके, आपका मैसेज अभी आया. देन पर देखिए, कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए माइनस बी. ये थोड़ा फॉर्मूला प्रूफ बाद में करेंगे बच्चों, कुछ फॉर्मूला इतना बड़ा बात नहीं है प्रूफ करना. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला डालोगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला डालो, सर मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नहीं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी.
ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर भी कुछ आएगा, प्रूव करेंगे बच्चों उसका। ओके, और नहीं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। ये साइन ए कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर भी, नहीं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस। मुझे फॉर्मूला थोड़ा डाउट लग रहा है, फॉर्मूला थोड़ा प्रूव कर लेते हैं इसको। ओके, ये ऊपर वाला फॉर्मूला सही लग रहा है, सही है, लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला मुझे डाउट लग रहा है। कर देते थोड़ा प्रूव। कॉस ए प्लस बी क्या फॉर्मूला, मैं भूल गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। कॉस ए इनटू कॉस बी माइनस साइन ए इनटू साइन, बोलिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। स्थिति ऑन करके सो गई है। ओके, ये कॉस ए इनटू कॉस बी, अच्छा अच्छा, तो फिर कॉस ए प्लस बी बोलिए। आप जागे हैं लेकिन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता है, कोई बात नहीं। ओके, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था, एटलीस्ट बोलिए। अरे फॉर्मूला याद रखिए, आज शाम को आइए 4 बजे, प्रैक्टिस करोगे पूरा टोटल सब, फॉर्मूला लिखोगे, ये करो उसका बेस ऑफ प्रॉब्लम्स करोगे। कॉस ए माइनस बी बोलिए, कॉस ए माइनस बी किसको बच्चों प्रैक्टिस करना है, ये करना 8 बजे कल सुबह, संडे 8 बजे भी आ सकते हो। किसको समझ में नहीं आ रहा ये, कल संडे 8 बजे आ सकते हो और 4 बजे भी आ सकते हो। बोले कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या फॉर्मूला बोलिए, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलिए। श्वेता जी बोलिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। वेरी गुड। अरे ट्रिगोनोमेट्रिक मैथ में वही स्ट्रांग है जो फॉर्मूला में स्ट्रांग है। अगर आप फॉर्मूला में स्ट्रांग है तो मैथ में कोई आपको हरा नहीं सकता। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो इंटू कीजिए ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर। ओके, माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला थोड़ा ड्रैग करते रहे बच्चों। आज बच्चों एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सब करेंगे, एग्जाम्पलों का, इसका सभी फॉर्मूला। तो इससे पहले थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं। ओके, एक काम करेंगे बच्चों, सभी एक एक कॉस में एक तो साइन में एक कन्वर्ट करेंगे। अच्छा देखिए कैसे करेंगे, ये तुम्हारा ये कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर एक को क्या करेंगे साइन में कन्वर्ट, ये बी में सिर्फ रखते हैं, बी में रखते हैं, कॉस स्क्वायर को साइन में करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर सब बी में रखते हैं। और ये तुम्हारा साइन स्क्वायर को क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे। देखिए ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये इंटू कीजिए साइन स्क्वायर बी इंटू कीजिए माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, ये और ये कट जाएगा। ओके, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी नहीं कटा, ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी कटना चाहिए। अच्छा अच्छा, हमारा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आना है। अच्छा एक काम कीजिए बच्चे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को रखिए, साइन स्क्वायर बी को चेंज कीजिए। ओके, साइन स्क्वायर ए रखिए, साइन स्क्वायर ए रखिए, साइन स्क्वायर बी को क्या कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कीजिए। देन ये बच्चे बनेगा माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर ए अगर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। देन बच्चे माइनस साइन स्क्वायर, ये बच्चों में क्या किया यहाँ पर साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी किया, ऐसे इंटू कीजिए माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, कट गया बच्चों। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, मुझे याद आ गया बच्चे इसका फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला देखिए, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी करेंगे, ये एक फॉर्मूला है बच्चों, इसमें बी पहला आएगा। ओके, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है,
और ये साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी वन माइनस साइन स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर है। देन बच्चों ये प्लस वन माइनस वन करता है, देन बच्चों ये तुम्हारा आता है ये प्लस कॉस स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी। तो बच्चों यहाँ पर पहले कॉस ही आता है, हमारा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला है, कॉस कर भी माइनस साइंस करे, और नहीं तो क्या करे, कॉस कर भी वन माइनस साइंस कर भी, साइंस करे वन माइनस कॉस करे, ये माइनस माइनस कर दे और ये कॉस करे प्लस कॉस करे माइनस साइंस कर भी। तो बच्चे इसका फॉर्मूला में पहला कॉस ही आता है, कॉस कर भी माइनस साइंस कर भी, नहीं तो कॉस करे माइनस साइंस कर भी, ये फॉर्मूला है तुम्हारा बच्चों कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसमें कॉस ही आता है पहले, ये आएगा कॉस कर बी माइनस साइंस कर ए, और नहीं तो क्या कॉस कर ए माइनस साइंस कर बी, ये दो फॉर्मूला है इसका, पहले कॉस ही आता है, ठीक है याद रख लीजिए। और ये साइन ए प्लस बी टू साइन ए माइनस बी याद रखिए, साइंस कर ए माइनस साइंस कर बी, और एक कॉस कर बी माइनस कॉस कर ए, और इसमें पहला कॉस आता है, ठीक है। चलिए बच्चों आज का प्रॉब्लम्स करते हैं, इनसेट में बोल रहा था बच्चों ये टैन पाई बाई एट, और इसको कह सकते हो टैन टोन टू हाफ का वैल्यू, ये एग्जाम में हमेशा बच्चों आता है, ओके। इसका वैल्यू बच्चों हमें निकालेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू भी आपको याद रखना है रूट टू माइनस वन, बाद में आपका ट्वेल्थ क्लास का जेई मेन में जब भी त्वरक है उसका वैल्यू यूज होता है, टैन टू टू हाफ का जो वैल्यू है रूट टू माइनस वन आएगा इसका, ठीक है। अरे टोन टू हाफ कैसा हुआ, पाई होता है 180, 180 बाई 8, 180 बाई 8 कितना होता है देखिए, पाई होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, 180 बाई 8 कितना होता है देखिए, काट दीजिए पहला, ओके ये 90 बाई 4 आता है, पहले काट दिए बच्चों, फिर काटिए बच्चों ये 45 बाई 2 आता है, फिर काटिए बच्चों इसको 22 हाफ आता है, ओके। तो टैन पाई बाई 8 जो है आपका 22 बाई हाफ होता है। अच्छा देखिए ये टैन 2 का फॉर्मूला, ओके। अच्छा बच्चों टैन 2 का फॉर्मूला कौन बोलेगा, टैन 2 का फॉर्मूला कौन बोलेगा, टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर, ये टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर, टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर क्या कीजिए, टू ए को पाई बाई फोर लीजिए, टू ए को पाई बाई फोर लीजिए यहां पर, ओके लेट 2a इक्वल टू पाई बाई फोर, और दैट इज इम्प्लाइड a इक्वल टू पाई बाई एट, इंटू टू द डिवाइड हो जाएगा पाई बाई एट, ओके। तो बच्चों ये 2a के बदले में पाई बाई फोर पुट कीजिए, a के बदले में पाई बाई एट पुट कीजिए, बनाए थोड़ा बच्चों 2a के बदले में पाई बाई फोर मैंने 45 डिग्री, पाई बाई फोर मीन्स 180 बाई फोर, 180 बाई फोर 45 डिग्री होता है, ओके। तो बच्चे सब्स्टिट्यूशन कीजिए, तो बच्चों लेट 2a इक्वल 5 बाई 4 दैट इज a इक्वल टू 5 बाई 8, तो यहाँ पर डालिए a 2a के बदले में 5 बाई 4 डालिए, और a के बदले में 5 बाई 8 डालिए, ओके a के बदले में 5 बाई 8 डालिए, 1 माइनस टैन स्क्वायर कर दिए, ओके। और नहीं समझा, वे का बदल में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कभी कभी टोन टू हाफ भी बोलता है, ओके एक ही बात है। तो वे का बदल में पाई बाई एट अगर डालोगे 45 लिखोगे, अगर टोन टू हाफ लिखते तो ऐसे लिखोगे, ये 45 होगा तो एक बदल में टोन टू हाफ लिखा जाएगा। अगर तुम्हारा एग्जाम में प्रूव द टैन टोन टू हाफ और फाइन टोन टैन टोन टू हाफ, तो इधर 45 डिग्री लिखोगे और इधर 22 हाफ लिखोगे, तो मैं यहाँ पर पाई बाई फोर लिखा उसका आधा पाई बाई एट लिखूंगा बच्चों, इधर 2a है तो इधर a है, ये 45 है तो इधर 5 बाई 8 आएगा, ठीक है। देन बच्चों tan 45 का वैल्यू बोलिए, tan 45 का वैल्यू बोलिए 1 होता है, ओके।
ये टू टैन पाई बाई एट डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई एट, ओके वन माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई एट। बच्चे समझे कि नहीं समझे, ये 45 लिखोगे तो ये पाई बाई एट लिखोगे, टैन टू का फॉर्मूला लिखोगे ये 45 लिखोगे तो उसका ये टू है 45, उसका ए है पाई बाई एट आएगा। अगर 22 ये 45 लिखोगे तो ए द्वारा 22 हाफ भी लिख सकते हो, और पाई बाई फोर लिखोगे पाई बाई एट उसका आधा आएगा। ठीक है बच्चों, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बच्चों, बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इंटू कर दीजिए, वन माइनस टैन स्क्वायर पाई बाई एट इक्वल टू टू टैन पाई बाई एट। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो बच्चों ये उस तरफ ले लीजिए, माइनस टैन स्क्वायर उधर ले लीजिए, प्लस टैन स्क्वायर पाई बाई एट प्लस टू टैन पाई बाई एट, और प्लस वन उधर लीजिए, माइनस वन इक्वल टू जीरो। ओके ये उधर लीजिए प्लस टैन स्क्वायर, ये प्लस टू टैन पाई बाई एट, प्लस वन उधर लीजिए। बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा सॉल्व करने में दिक्कत होता है, इसलिए पुट टैन पाई बाई एट इक्वल टू वाई। ओके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा बच्चों डी मेथड में होगा, ये वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये तुम्हारा बनाइए थोड़ा, वाई का वैल्यू जो आएगा वही हमारा आंसर है, डी मेथड में होगा, डी मेथड में वाई इक्वल टू इस फॉर्मूला होगा। पहले रूट डी निकालेंगे, पहले डी निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, फिर उसके बाद बच्चों जो वाई इक्वल टू प्लस माइनस द्वारा क्या था बच्चों, वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। ओके दो वैल्यू आएगा वाई का बच्चों, ठीक है तो बनाए पहला डी निकाले, उसके बाद थोड़ा पेरेंट्स आए हैं। अच्छा बच्चों देखिए, ये तुम्हारा टेन पाई बाई टू वाई ले लीजिए, ओके ये वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन, तो डी डी कितना निकला बोलिए, हाँ डी होता है माइनस वन। हाँ अच्छा बी आपका है, बी आपका टू है, ए आपका वन है, सी आपका माइनस वन, तो डी आपका कितना निकल रहा है, फोर प्लस फोर। ओके ये फोर, ये पर बी, ये ए का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट ए होता है, ये बी होता है, सी माइनस वन है, तो बच्चे फोर प्लस फोर एट। तो बच्चे हमें वाई जो है हमें टेन पाई बाई एट निकालना है, और ये व्हाट इज द बी, बी पर टू है, व्हाट इज द रूट डी कितना, रूट एट है, डी एट है, व्हाट इज द ए, ए वन है बाय टू। तो बच्चों यहाँ पर ए टैन पाई बाई एट और टैन टोन टू हाफ भी कह सकते हो। ओके कोई बच्चा पहले पाई बाई एट लिखेगा, लास्ट को टैन टोन टू हाफ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस टू। अच्छा रूट एट कितना होता है, टू फोर जा टू टू जा टू रूट टू, ओके बाय टू, ओके ये टू रूट टू, ये बाय कितना। अच्छा देखिए यहाँ पर आपका टू कॉमन लीजिए, माइनस वन प्लस टू कॉमन लीजिए, माइनस वन प्लस माइनस रूट टू बाय टू। तो बच्चों टैन का दो वैल्यू आया, टैन टू टू हाफ और टैन फाइव बाई एट का दो वैल्यू आया, टैन टोन टू हाफ का दो वैल्यू आया, या और उसको बोल सकते हो टैन फाइव बाई एट का दो वैल्यू आया। क्या वैल्यू आया, एक तो एक प्लस लेंगे तो ये प्लस लेंगे तो रूट टू माइनस वन आएगा। ओके और एक तो वैल्यू आया माइनस लेंगे तो माइनस वन माइनस रूट टू। बच्चे ये रिजेक्टेड होगा, कौन बोलेगा क्यों रिजेक्टेड होगा, टैन फाइव बाई एट, टैन फाइव बाई एट, जितना सब एक्यूट एंगल होता है ना, मीन्स लेस देन 90 डिग्री, इसका हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जितना सभी एक्यूट एंगल और फास्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, फास्ट क्वाड्रेंट ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस्ट इज टू ए फॉर ऑल पॉजिटिव, जितना सभी एक्यूट एंगल्स है उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा तो रिजेक्टेड है। तो तुम्हारा बच्चों इसका एक ही वैल्यू आया टैन पाई बाई एट दैट इज, ओके ये पर आया माइनस वन प्लस रूट टू, एक तो आया माइनस वन प्लस रूट टू और एक तो माइनस वन माइनस रूट टू, तो ये माइनस वन माइनस रूट टू रिजेक्टेड होगा क्योंकि
tan 22 हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए रहता है तो एक्यूटेंगल कर एक्यूटेंगल का हमेशा पॉजिटिव ही आएगा बच्चों, नेगेटिव नहीं आएगा। कोई भी एक्यूटेंगल हो, किसी का भी एक्यूटेंगल हो, हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए नेगेटिव वाला रिजेक्टेड। आपको याद भी रखना है tan पाई बाई एट इक्वल रूट टू माइनस वन, क्योंकि आपका जेई मेन में यूज होता है इसका वैल्यू। ओके इसका आगे जाके इसका वैल्यू tan पाई बाई एट का वैल्यू यूज होता है, रूट टू माइनस वन बोल के याद रखना। बच्चों हो गया, कैसे हुआ कैसे हुआ बच्चों? पहला tan 2a का फॉर्मूला डाला, tan 2a का फॉर्मूला डाला, लेट 2a इक्वल पाई बाय 4 लिया। अगर ये पाई बाय 4 होता है, ये पाई बाय 8 होगा, इसका आधा ये इनटू 2 डिवाइड करते पाई बाय 8 होगा। तो ये tan 45 का वैल्यू डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। तो ऐसा सॉल्व करने में दिक्कत है, फिर मैं इसको y में कन्वर्ट करके किया, y स्क्वायर प्लस 2y। इसको करने के बाद फिर y के बदले में tan पाई बाय 8 लिया था मैंने, y के बदले tan पाई बाय 8, फिर y के बदले tan पाई बाय 8 लिख दिया। इसका दो वैल्यू आया, एक तो रूट टू माइनस वन और माइनस वन प्लस रूट टू, और एक तो माइनस वन माइनस रूट टू। ये रिजेक्ट होगा क्योंकि tan पाई बाय 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का ऑलवेज रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एंगल का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो बच्चे ये मिसलेनियस का एग्जांपल है, तो आपका 11 12 में याद रखना है, जब भी कोई टेस्ट प्रिपेयर करके जा रहे हो, हाफली हो एनुअल हो, मिसलेनियस का एग्जांपल पढ़ के जाइए, उसमें आपका 80% रिजल्ट 80% क्वेश्चन रिपीट होगा। ओके अच्छा चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। हमारा बच्चों cos 2a 1 plus cos 2a का फॉर्मूला क्या बोली, 1 plus 2 cos 2a ओके 2 cos 2a। तो बच्चों cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, इनटू 2 डिवाइड कर दीजिए। ओके cos 2a का फॉर्मूला बच्चों 1 plus cos 2a by 2 आएगा बच्चों, 1 plus cos 2a by 2 आएगा। ओके cos 2a का फॉर्मूला बच्चों आएगा 1 plus cos 2a by 2। यहाँ पर एक साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई होगा, जो तुम्हें पढ़ाया नहीं गया साइन सी प्लस साइन डी, और फिलहाल बोल देंगे काम करो क्या। चलो देखिए बच्चों 1 प्लस cos 2a का cos 2a का फॉर्मूला है, ओके cos 2a का फॉर्मूला बच्चों 1 प्लस cos 2a बाय 2 होता है बच्चे, ठीक है। ये बच्चों 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला 2 cos 2a, देन cos 2a क्या होता है इनटू 2 जाएगा, डिवाइड कीजिए। ओके डालिए cos 2a का क्या होगा, बोलिए फॉर्मूला डालिए cos 2a का 1 प्लस cos 2x बाय 2। बच्चों cos 2a क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस cos 2a बाय 2 इनटू 2 जाएगा, डिवाइड होगा। यहां पर भी सेम थिंग आएगा 1 प्लस cos ये 2 इनटू x प्लस y बाय 3, 1 प्लस cos 2a, ये समझ लीजिए, इसको ये समझ लीजिए cos 2a का फॉर्मूला क्या है, इसको ये समझ लीजिए 1 प्लस cos 2a बाय 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसका भी सेम थिंग 1 प्लस, इसका भी सेम थिंग 1 प्लस cos 2a बाय 2। ओके ये cos 2a cos 2a का फॉर्मूला है, cos 2a का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2a बाय 2, cos 2a का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2a बाय 2, cos 2a का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2a बाय 2, ठीक है। बच्चों 1 बाय 2 कॉमन लीजिए, ये इसका डाल दिया बच्चों, ये cos 2a का 1 प्लस cos 2x बाय 2, cos 2a का 1 प्लस cos 2a बाय 2, इसका भी डाला cos 2a, हमें 3 बाय 2 प्रूव करना है। इसका ही फॉर्मूला 1 प्लस cos 2a बाय 2 बच्चों, बच्चे पहले 1 बाय 2 कॉमन ले लीजिए, ये रहेगा 1 प्लस cos 2x, ये रहेगा 1 प्लस cos 2 इंटू कर दीजिए बच्चों, ये 2x प्लस 2 पाई बाय 3। यहां पर ही बच्चों ये 1 प्लस ओके 2 इंटू कर दीजिए, 1 बाय 2 कॉमन ले लिया बच्चों, नीचे का 1 बाय 2 चला गया, 1 प्लस cos 2 इंटू कर दीजिए, ये 2x माइनस 2 पाई बाय 3, 2x माइनस 2 पाई बाय 3,
बच्चों में क्या किया, वन बाय टू कॉमन लिया। बच्चों को याद है कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, वन प्लस कॉस क्यू बाई टू। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस क्यू बाई टू, कॉस करे वन प्लस कॉस क्यू बाई टू, कॉस करे वन प्लस कॉस क्यू बाई टू। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा ये है, ये वन प्लस ये कितना है देखिए, ये वन, यहाँ पर एक वन है, ओके ओके, इधर एक वन है बच्चों, इधर एक वन है, इधर एक वन है, वन प्लस तीन बन गया बच्चों, ये कॉस टू एक्स और ये कॉस, ये टू एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री और ये कॉस टू एक्स माइनस टू पाई बाई थ्री। ओके अच्छा बच्चों देखिए, यहां पर हमें प्रूव करना है बच्चों थ्री बाई टू चाहिए प्रूफ, तो बच्चों यहाँ पर भी ये थ्री बाई टू रहेगा, ये बाकी सब भी कट जाएगा, ये सब बाकी सब भी कट जाएगा बच्चों। तो क्या कीजिए, यहाँ पर कैसे कटेगा देखिए, हमें एक फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी, लेकिन वो फॉर्मूला अभी तक में पढ़ाया नहीं, कॉस सी प्लस कॉस डी वो फॉर्मूला पढ़ाया नहीं, इसलिए क्या कीजिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला डालिए। एक फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी, वो फॉर्मूला पढ़ाया नहीं, जब फॉर्मूला पढ़ाया तो ये और थोड़ा छोटा में हो जाता। ओके छोड़ लिए, वो फॉर्मूला तो पढ़ाया नहीं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। अरे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो, कॉस इनटू कॉस टू माइनस साइन इनटू साइन माइनस साइन इनटू साइन, माइनस साइन इनटू साइन भी। ओके नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर भी सेम थिंग है, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसमें प्लस आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए यहाँ पर क्या किए, ये कॉस ए प्लस बी डालिए, ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इस तरह ये कॉस ए माइनस बी डालिए, ये कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये साइन टू पाई बाई थ्री। बच्चों यहां पर मैं फॉर्मूला डाला कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ओके कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहां पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला डाला बच्चों, कॉस ए इंटू कॉस बी ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ओके ये कॉस इनटू कॉस बी प्लस साइन इनटू साइन बी। देखो कुछ करता है क्या, ये माइनस साइन टू एक्स ये कट जा रहा है बच्चों, ये माइनस साइन टू एक्स वो कट जा रहा है, ये अच्छा बच्चों देखिए, ये तुम्हारा ये वन बाय टू, ये थ्री प्लस ये कॉस टू एक्स, अच्छा ये कॉस टू एक्स। अच्छा बच्चों ये कितना डिग्री बन रहा है बोलिए, पाई बाई थ्री, पाई होता है 180 बाई थ्री, बोलिए कितना होता है 180 बाई थ्री, कितना होता है बोलिए, पाई बाई थ्री 180 बाई थ्री कॉस 60 और नहीं 120 बनता है ये बच्चों देखिए, ये 2 पाई बाई थ्री कैसे इनटू टू, ये 2 पाई बाई थ्री याद रखिए, 2 पाई बाई थ्री जो है 2 इनटू 180 बाई कितना 3, ये 60 आएगा, 120 ये 120 आएगा बच्चों, पाई का मतलब 180 लिखिए, पाई का मतलब 180 लिखिए, ये काट दिए 120। एक बात याद रखिए बच्चों, cos 120 माइनस 1 बाय 2 याद रखिए, मैं इसको एस टी स्टूडेंट में प्रूव करूंगा, cos 120 माइनस 1 बाय 2 याद रखिए बच्चों, पाई बाय 3 होता है 60, 180 बाय 3 होता है 60, 60 इंटू 2 120। एक बात याद रखिए बच्चों, cos 120 हमेशा cos 120 हमेशा रिपीट करता है, इसका वैल्यू याद रखिए माइनस वन बाई टू, तो बच्चों कॉस 120 कितना होता है माइनस वन बाई टू। यहां पर ही बच्चों देखिए, ये तुम्हारा कॉस टू एक्स और ये कॉस, ये कॉस टू एक्स ये कितना आ रहा है कॉस 120, कॉस 120 कितना होता है माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये साइन का तो कट गया, कॉस 120 बच्चों याद रखिए माइनस वन बाई टू। ओके
तो बच्चे ये कितना बन रहा है, ओके ये 1/2, ये 3। अच्छा बच्चे यहाँ पर cos 2x है, इधर भी cos 2x है, इधर भी cos 2x है, cos 2x कॉमन लीजिए बच्चे, यहाँ बच्चे का 1, यहाँ बच्चे का -1/2 और यहाँ बच्चे का -1/2। तो बच्चे समझे, यहाँ पर cos 2x है, इधर भी cos 2x है, ये अच्छा एक बोलिए 1 -1, ये -1 हो जाएगा बच्चों। यहां पर बोले 1/2 × 3 है। अच्छा बच्चों बोले ये कितना 0 बन रहा है, बच्चों कैसे 0 बन रहा है देखिए, ये बच्चों 0 बन रहा है कि नहीं बोलिए मुझे। 1 - -1 होता है, दो तो हाफ ऐड कीजिए ना, 1 आता है, -1 होगा, -1 + 1 0 होगा, 0 × cos 2x 0 हो जाएगा बच्चे, ये 0 आएगा बच्चे। यहाँ पर cos 2x, इधर cos 2x, इधर cos 2 कॉमन ले लिया, तो इधर 1 रहा, इधर -1/2 रहा, इधर -1/2 रहा, 2 - 1/2 बच्चों -1 होता है, -1 + 1 0 होता है, 0 × cos 2x 0 हो जाता है बच्चों। सिर्फ एक ही रहा, सिर्फ रहा 3/2, जो कि आपको प्रूव करना था बच्चों। इसको और थोड़ा छोटा में होगा बच्चों, बाद में cos c + cos d डालेंगे, cos c + cos d डाले तो और छोटा आएगा बच्चों, यहाँ पर cos c + cos d डाले तो और छोटा हो जाएगा। फिलहाल हमें नहीं पढ़ पता है फॉर्मूला, तो बच्चों ये डाले, ये cos a + b का डाले और ये cos a - b डाले, पहले साइन कट गया यहाँ पर, फिर उसके बाद ये तो cos 120 का वैल्यू -1/2, यहाँ पर भी cos 120 का वैल्यू -1/2, सभी में cos 2x कॉमन ले लिया, इधर 1 बच गया, इधर -1/2 ये बच्चे, ये 1 - ये 0 हो रहा है, 0 × cos 2x 0 हो जाए, सिर्फ बच्चे का 3/2, जो कि हमें प्रूव करना है बच्चों। बच्चे एक फॉर्मूला समझे, cos का x को क्या डाले, 1 + cos 2a/2, cos का x को डाले बच्चों, हमारा 1 + cos 2a का फॉर्मूला था 2 cos करे, 1 + cos 2a 2 cos करे, देन cos का होता है 1 + cos 2a/2, तो डालने के बाद ये बच्चों प्रूव हो गया। चलिए एनसीईआरटी का देखिए, एनएचएस करते हैं, ये ऑलरेडी हुआ था क्वेश्चन, ये साइन एक्स प्लस वाई, ये साइन एक्स माइनस वाई, ओके ठीक है बच्चों, वे देख लेते हैं थोड़ा, ओके साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ओके तुम्हारा देखिए साइन एक्स माइनस वाई, साइन ए टू कॉस बी, सर अभी हमारे क्लास में तो जा रही हूँ, अच्छा ठीक है, साइन ए टू कॉस बी माइनस कॉस ए टू साइन बी, ओके। देन बच्चों हमें ये टैन एक्स करना है, तो कॉस वाई कटना है, तो डिवाइड कीजिए कॉस एक्स कॉस वाई, ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, ये कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइड कीजिए, ये कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइड कीजिए, ये कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइड कीजिए, देन बच्चों ये साइन एक्स, ये कॉस एक्स कॉस वाई कट जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये टैन एक्स आएगा, ये कॉस एक्स कट जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस वाई टैन वाई आएगा। यहाँ पर भी बच्चों तुम्हारा सेम थिंग, कॉस वाई कटेगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टैन एक्स आएगा, ये कॉस एक्स कट कट गया, माइनस टैन वाई आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये 14 देखिए बच्चों, ये प्रूव कैसे करेंगे, इसका आपको डिटो और एक क्वेश्चन में बच्चे दूंगा, ये जैसा हुआ इसकी तरह डिटो एक क्वेश्चन दूंगा बच्चों के। अच्छा टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, ये जैसा प्रूव हुआ है उसी तरह डिटो एक प्रूव होगा बच्चों, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइड बाई 1 माइनस
टैन ए इंटू टैन बी हो गया, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइड बाई वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों कीजिए, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ये टैन टू एक्स जो है टैन थ्री एक्स लिखिए, ये डिवाइड उधर इंटू कीजिए, डिवाइड उधर तक इंटू होगा, ये टैन टू एक्स इंटू टैन एक्स डिवाइड इधर इंटू होगा, ये रहेगा टैन टू एक्स प्लस टैन एक्स। अच्छा बोलते इसको इंटू करके जैसा प्रूफ में ना उसी तरह अरेंज कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। ये इंटू करने बाद टैन थ्री एक्स को टैन टू एक्स प्लस एक्स लिखिए, उसके बाद ये टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला डाल दीजिए, उसके बाद इंटू करके जैसा प्रूफ में है अरेंज उसी तरह अरेंज कर दीजिए, आपका हो जाएगा। इंटू कर दीजिए उसके बाद अरेंज कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। टैन थ्री एक्स इंटू वन टैन थ्री एक्स माइनस ये टैन थ्री एक्स इंटू टैन टू एक्स इंटू टैन एक्स द्वारा बच्चों ये द्वारा टैन टू एक्स। उसके बाद बच्चे अरेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया उसके बाद अरेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाए। देखिए ये सब इस तरफ लाइए, ये टैन थ्री एक्स माइनस टैन टू एक्स माइनस टैन एक्स, और उसको इसको तीनों को उस तरफ ले लिए, तीनों इंटू है उस तरफ ले लीजिए, ये टैन थ्री एक्स इंटू टैन टू एक्स इंटू टैन एक्स। ओके तो बच्चों ये द्वारा है। ओके ये फॉर्मूला भी आपको याद रखे तो अच्छा है, टैन थ्री एक्स माइनस टैन टू एक्स माइनस टैन एक्स, इसका तीनों का इंटू हो जाता है, अगर ये आपको याद रखते तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है तो बच्चों देखिए ये जैसा प्रूव हुआ देखो बच्चों हुआ कि नहीं, प्रूव हो गया कि नहीं, टैन थ्री एक्स माइनस टैन टू एक्स हो गए। तो अगेन यहाँ पर भी इसी तरह एक मैं डिट्टो क्वेश्चन दूंगा कॉट थ्री का, कॉट थ्री एक्स का, उसका वैसे फॉर्मूला डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई अरेंज करने से प्रूव होगा, मैं दे रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। देखिए इसका देखिए कॉट ए तुम्हारा ए प्लस बी का फॉर्मूला डालना है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। ये तुम्हारा कॉट थ्री एक्स लिख सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट टू एक्स, ये प्लस ये कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू ये कॉट टू एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट टू एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस वन। ओके मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉट थ्री एक्स cot 3x into cot 2x plus cot 3x into cot x, ये cot 2x into cot x minus 1। उसके बाद अरेंज कर दीजिए, ये प्लस 1 क्या आ गया है, एक काम कीजिए माइनस 1 को इस तरफ ले लीजिए, बाकी सब उस तरफ ले लीजिए, माइनस 1 को इस तरफ लिया है प्लस 1 और बाकी सब उधर ले लीजिए, ये cot 2x into cot x, ये माइनस cot 3x into cot 2x, ये माइनस cot 3x into कॉट एक्स। अच्छा प्रूव हुआ कि नहीं थोड़ा चेक कर दीजिए, ये कॉट एक्स इंटू कॉट टू एक्स है यहाँ पर, कॉट एक्स इंटू कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट टू एक्स इंटू कॉट थ्री एक्स ये है यहाँ पर, माइनस कॉट थ्री एक्स इंटू ये है यहाँ पर, प्लस वन इक्वल टू वन, ये वन को इस तरफ ले सकते हैं, ये वन को उस तरफ लिख दीजिए। ओके ये आपका प्रूव हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इस वन को उस तरफ लिख दीजिए, आपका प्रूव हो गया। ठीक है अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिए ये तुम्हारा टैन टू ए का फॉर्मूला, टैन फोर एक्स को ऐसे लिखिए, टैन फोर एक्स को टैन टू इंटू ये लिखिए, टैन टू का फॉर्मूला है टू टैन ए, टू टैन ए बाय कितना, टैन टू का फॉर्मूला टू टैन ए बाय वन माइनस टैन स्क्वायर ए। ओके तो ये हमारा जो टैन फोर एक्स था एलएचएस, हम एल एच एस से किए, टैन टू का फॉर्मूला टू टैन ए बाय वन माइनस टैन स्क्वायर ए, फिर से टैन टू का फॉर्मूला डाली, नीचे भी वैसे ही डालना पड़ेगा, फिर से टैन टू का फॉर्मूला डाली, टू टैन एक्स बाय वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स। फिर से टैन टू का फॉर्मूला डाली,
फिर से टान पे का फॉर्मूला डालिए, टू टाने पे वन माइनस टान स्क्वायर एक्स, ओके। नेक्स्ट बच्चे इधर भी सेम थिंग, ये होल स्क्वायर है, टान स्क्वायर टू एक्स है, टान स्क्वायर टू एक्स है, इसका भी टान पे का फॉर्मूला डालिए, टू टाने पे वन माइनस टान स्क्वायर एक्स। बच्चे होल स्क्वायर था, टान स्क्वायर एक्स को तुम लिख सकते हो, टान एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ऊपर में एलसीएम देखिए, ये तुम्हारा ये फोर टान एक्स बाय वन माइनस टान स्क्वायर एक्स, फोर टान एक्स बाय वन माइनस टान स्क्वायर एक्स, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, वन माइनस ये ऊपर का भी होल स्क्वायर है, ये ऊपर का भी होल स्क्वायर है, नीचे का भी होल स्क्वायर है, बच्चों ये होल डिवाइडेड बाय था ना, होल डिवाइडेड बाय को ऐसे में लिख दिया बच्चों। उसके बाद ये इसका ऊपर का भी होल स्क्वायर है, टू का स्क्वायर फोर, टान का एक्स का होल स्क्वायर ये, और नीचे का भी होल स्क्वायर है बच्चों, अभी ये फोर टैन एक्स डिवाइड बाय वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, ये वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ये डायरेक्ट वन से इंटू होगा बच्चों, जब इसका हम एलसीएम लेंगे ये डायरेक्ट वन से इंटू होगा, ये डायरेक्ट वन इंटू होगा, मैं उसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर डाल दूं, ये डायरेक्ट वन से इंटू होगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर डाल दे रहे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। बच्चो मैं इसका ये एलसीएम लिया, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट वन से इंटू होगा, ये डायरेक्ट वन से इंटू होगा, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर डाल है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स है। बच्चे वन से इंटू होगा और ये माइनस बी का होल स्क्वायर डाल दे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू टाइम स्क्वायर एक्स, और ये माइनस फोर टाइम स्क्वायर एक्स है। नेक्स्ट टाइम में बच्चों उल्टा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये फोर टैन एक्स, ये तुम्हारा फोर टैन एक्स, ये वन माइनस टाइम स्क्वायर एक्स, ये इंटू यू इंटू, तो उल्टा का मल्टीप्लाई कीजिए, वन माइनस टान स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ये वन प्लस टान फोर एक्स, ये माइनस सिक्स टान स्क्वायर एक्स। बच्चे इसमें से एक तो काट दीजिए, बच्चा रह गया तुम्हारा फोर टान एक्स, ये वन प्लस टान का पावर फोर एक्स माइनस सिक्स टान स्क्वायर एक्स। हमें प्रूफ क्या करना था देखिए, ये फोर टान एक्स वन माइनस टान स्क्वायर एक्स कहां रह गया, एक तो नीचे ठीक है, नीचे वन प्लस टान फोर एक्स ठीक है सर, वो स्क्वायर से एक कटा तो एक बचा ना कहाँ पर, हाँ 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 एक बच गया है, एक तो कटने के बाद ये बच गया कितना, वन माइनस टान स्क्वायर एक्स ठीक है, ये फोर टी है ठीक है, थैंक यू। अभी तो यही बच्चा प्रूव करना था, और दो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी देखो, ये कॉस फोर एक्स है, ये कॉस टू इंटू टू एक्स। अच्छा बच्चों कॉस टू एक्स सर, तुम्हारा तुम कंफ्यूज रहेंगे कौन सा सर फॉर्मूला डालेंगे, देखिए एट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने कॉस टू एक्स का साइन का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर वन माइनस भी है, वन माइनस ये प्रूव है, तो कॉस टू एक्स का जो साइन का फॉर्मूला डाली, कॉस टू एक्स का साइन में क्या फॉर्मूला बोलिए, नहीं भाई नहीं, वो तो पहला फॉर्मूला है,
ओनली साइन में क्या वन माइनस टू साइन स्क्वायर है। हाँ वो वाला डालिए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है। ओके, एक और है तुम्हारा टू एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर को मैं साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिया हूँ। ये जो साइन स्क्वायर टू एक्स है मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर टू एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉस टू का साइन में कर, इसका क्यों निकल फॉर्मूला डाला, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ में वन माइनस बोल के है, वन माइनस है इधर भी वन माइनस ऐसे शुरू होगा। ओके, तो कॉस टू का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर। ओके अच्छा, साइन टू का फॉर्मूला बोली, साइन टू का फॉर्मूला बोली, अरे साइन टू का पहला फॉर्मूला बोलो, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, इसका होल स्क्वायर है। ओके, देने तुम्हारा वन माइनस टू, ये टू का भी स्क्वायर है, फोर ये साइन का भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस का भी फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स। ये वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही प्रूफ करना था क्या? देखिए ये कॉस टू एक्स का साइन का फॉर्मूला डालिए, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला है वन माइनस है, इधर भी वन माइनस में शुरू हो रहा है, इधर वन माइनस में शुरू है, तो कॉस टू एक्स का वन माइनस टू साइन स्क्वायर है, टू साइन स्क्वायर है। ओके, ये तुम्हारा टू एक्स है, इसका साइन स्क्वायर बोलो या साइन टू एक्स का होल स्क्वायर बोले की बात है, फिर ये टू साइन एक्स का साइन टू एक्स का फॉर्मूला डाल दिए, साइन टू का फॉर्मूला डाल दिए, तो सभी का स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इन टू ए को प्रूव हो गया। बच्चों नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, यूज होगा ये कॉस सिक्स एक्स। बच्चों अच्छा सुनिए, ये कॉस टू इंटू थ्री एक्स करते हैं। अच्छा कॉस टू का कॉस्ट में फॉर्मूला क्या है बोलिए, कॉस्ट में फॉर्मूला क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे प्रूफ में सब कॉस है, कॉस्ट टू का कॉस्ट में फॉर्मूला बोलिए, कॉस्ट टू का फॉर्मूला बोलिए, टू कॉस्ट स्क्वायर है माइनस वन। ठीक है, अच्छा तो कॉस्ट टू का फॉर्मूला डाला गया बच्चों, कॉस्ट टू का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट टू का फॉर्मूला टू कॉस्ट स्क्वायर है माइनस वन। ओके, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थ्री एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा बच्चों, मैं कॉस थ्री का फॉर्मूला अभी लिखाया था, आज लिखाया था, साइन थ्री का फॉर्मूला है, ये प्रूव करेंगे कि थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू है। ओके, ये साइन थ्री का फॉर्मूला है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू है, ये कॉस थ्री का जो फॉर्मूला है इसका पैटर्न इधर आएगा, इसका पैटर्न इधर आएगा तो फोर कॉस क्यू है, इसका पैटर्न उधर जाएगा तो थ्री कॉस है, तो कॉस थ्री का ये फॉर्मूला है बच्चों, तो तुम्हारे कॉस थ्री का फॉर्मूला थोड़ा डाल दीजिए बच्चों। मैं क्या किया, कॉस टू ए किया, कॉस टू ए का कॉस का फॉर्मूला डाला, कॉस थ्री का फॉर्मूला डाल लिखिए, फॉर्मूला है फोर फोर कॉस टू ए माइनस थ्री कॉस है। बच्चों कॉस थ्री का फॉर्मूला लिखा, फोर कॉस टू ए माइनस थ्री कॉस है, डाली ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए कौन है फोर कॉस टू एक्स, बी कौन है थ्री कॉस एक्स। बच्चों ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए माइनस ए क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन कॉस क्यू एक्स, थ्री का स्क्वायर नाइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू फोर जो एट थी जो ट्वेंटी फोर कॉस क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस फोर एक्स, ए प्रूव करना था बच्चों, 32 आ रहा है, तो कहाँ गड़बड़ है हम लोग का, कहाँ गड़बड़ है देखिए,
अच्छा ये जब इसका स्क्वायर करेंगे ना बच्चों, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा जानते हो बच्चों? पता है ये एक्स टू दर एम, ये एन क्या होता है पता है? एक्स टू दर एम इंटू एन होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है बच्चों। एक्स टू दर एम और ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये भी ऐसा मल्टीप्लाई होगा कितना, देन इसका स्क्वायर हुआ। और ये दोबारा और कहाँ गड़बड़ है, कहाँ से थोड़ा चेक कीजिए, ये 48 cos 4x मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ 48 ये 18 cos 4x माइनस 1 आया। अच्छा ये माइनस 1 छोड़ दिया हम, ये माइनस 1 छोड़ दिए। अच्छा 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 16 2 जाए कितना 32, ये 8 2 कीजिए 18 और ये 2 कीजिए माइनस 48। ओके यही तो था बच्चों।